आप देख रहे हैं डार्क फाइल्स। तो चलिए बढ़ते हैं आज की इस कहानी की ओर। मेरी बस शाम के 4 बजे की थी, जिस कारण मैं फटाफट अपनी तैयारी कर रहा था कि तभी मेरी माँ चलकर मेरे पास आई और बोली, अशोक तू रात वाली बस से जा रहा है तो थोड़ा संभल कर जाना। इस पर मैंने अपनी माँ से कहा, हाँ माँ मैं ठीक से जाऊंगा। दरअसल आज मैं अपने मौसी के घर मानकपुर गांव जा रहा हूँ। ऐसे तो मैं मौसी के घर कई बार गया हूँ, मगर रात वाली बस से आज पहली बार जा रहा हूँ, क्योंकि 5 दिनों बाद मेरी मौसी के बेटे की शादी है और मौसी ने मुझे कुछ दिनों पहले ही बुलाया है। खैर, सारी तैयारी कर लेने के बाद मैंने अपनी माँ से कहा, अच्छा माँ मैं चलता हूँ, आप और पापा जल्दी से आ जाना। इस पर माँ ने कहा, हाँ तू ठीक से जाना, हम लोग 2 दिन बाद आ जाएंगे। जिसके बाद मैं घर से निकलकर बस स्टॉप की तरफ चलता बना। हमारे घर से बस स्टॉप थोड़ी ही दूरी पर था, तो मैं करीब 10 मिनट पैदल चलने के बाद बस स्टॉप पहुंच गया। बस स्टॉप पहुंचकर मैंने जब अपनी निगाहें घड़ी की ओर घुमाई तो वक्त हो रहा था दोपहर के 3:30 बजे का। तो मेरी बस आने में आधा घंटा लेट था। मैं बैठकर अपनी बस का इंतज़ार करने लगा। करीब आधा घंटा इंतज़ार करने के बाद मेरी बस आ गई और मैं बस में बैठ गया। मेरे बैठने के 5 मिनट बाद ही बस भी खुल गई और साथ ही साथ काफ़ी रफ्तार पकड़ ली, जिसके साथ ही हम दोनों अपनी मंजिल की तरफ आगे बढ़ने लगे। यहाँ से मेरी मौसी का घर मानकपुर गांव जाने में बस से करीबन 5 घंटे का समय लगता था, तो मैं ठीक रात के 9 बजे तक मानकपुर गांव के बस स्टॉप पर उतर जाऊंगा। ठंड का मौसम होने के कारण बस में मुसाफिरों की संख्या काफ़ी कम थी और साथ ही साथ सभी लोग खिड़की दरवाजे बंद करके बैठे हुए थे, ताकि बाहर चल रही ठंडी ठंडी हवाएं अंदर ना आ सके। देखते ही देखते 2 घंटे कब बीत गए पता ही नहीं चला। अब बाहर सूरज की तेज किरणें चांद की हल्की रोशनी में तब्दील हो चुकी थी। इस पर मैंने अपने घड़ी में वक्त देखा तो वक्त हो रहा था रात के 7:30 बजे का, लेकिन ठंड का मौसम होने के कारण 7:30 बजे 10 बजे की तरह मालूम पड़ रहा था और इसका असर साफ साफ रास्ते पर भी दिख रहा था, क्योंकि रास्ते पर गाड़ियों का काफिला ना के बराबर था। खैर, बस आगे बढ़ती चली गई और इक्का दुक्का मुसाफिर अपने अपने ठिकाने पर उतरते चले गए। मेरे गांव आने से 1 स्टॉप पहले बस के सारे मुसाफिर उतर चुके थे और ठीक रात के 9 बजे मैं मानकपुर बस स्टॉप पर उतरा। बस मुझे उस बस स्टॉप पर उतार कर आगे चली गई। बस से उतरते ही मैंने जब अपनी निगाहें इधर उधर घुमाई तो मैं एकदम से हैरान हो गया, क्योंकि दिन के वक्त इस बस स्टॉप पर जितना चहल पहल रहता है, रात को उतना ही सन्नाटा फैला हुआ था। दूर दूर तक पूरे बस स्टॉप पर मुझे इंसान तो दूर परिंदा तलक भी दिखाई नहीं दे रहा था। बस स्टॉप से मेरी मौसी का घर तकरीबन 7 किलोमीटर दूर था, लेकिन आसपास के माहौल को देखकर मुझे लग नहीं रहा था कि मुझे यहाँ कोई सवारी मिल पाएगी। इस पर मैंने अपने मन ही मन में कहा, लगता है आज मुझे यहाँ से पैदल चलकर ही जाना होगा। इतना बोलकर मैं चलते हुए बस स्टॉप से बाहर निकला तो बाहर का माहौल और भी ज़्यादा वीरान था। ना तो किसी तरह की रोशनी और ना ही किसी तरह का शोर उस पूरे रास्ते पर सुनाई पड़ रहा था। अंधेरा तो इतना छाया हुआ था कि मुझे ठीक से आगे का रास्ता भी दिखाई नहीं पड़ रहा था। बीच बीच में आ रही रात कीड़ों की आवाज़ें उस पूरे माहौल को और भी ज़्यादा सुनसान बना रही थी। फिर भी मैंने एक बार अपनी निगाहें किसी सवारी की तलाश में इधर उधर घुमाई तो अपनी नज़रों को इधर उधर घुमाते ही मैंने देखा कि सामने एक चाय की दुकान खुली है और वहाँ चाय वाले के साथ ही साथ एक आदमी भी बैठा हुआ है, जिसके बगल में एक रिक्शा भी खड़ी है।
उस नज़ारे को देखकर मुझे समझते देर नहीं लगी कि उस चाय वाले के पास जो आदमी बैठा हुआ है वो एक रिक्शा वाला है। ये देखकर मैंने मन ही मन में काफ़ी खुश हुआ, ये सोचकर कि अब शायद मुझे पैदल नहीं चलना पड़ेगा। जिसके बाद मैं चलता हुआ उस चाय वाले की दुकान के पास पहुंचा, तो मुझे अपनी ओर आता देख उस चाय वाले ने कहा, आइए बाबू साहब चाय पी लीजिए। जिसके बाद उस चाय वाले ने मुझे एक प्याला चाय पीने को दिया, तो मैंने भी उसके हाथ से प्याला लेकर चाय पीने लगा। अभी मैं चाय पी ही रहा था कि तभी बगल में बैठे उस आदमी ने कहा, कहाँ जाना है बाबू साहब आपको, चलिए मैं छोड़ देता हूँ। उस रिक्शे वाले के मुंह से ये सुनते ही मैं और ज़्यादा खुश हुआ और उस रिक्शे वाले को मौसी के घर का पता बताया, जिसके बाद उस रिक्शे वाले ने मुझे रिक्शा पर चढ़कर बैठने का इशारा किया, तो मैं भी उसकी रिक्शा पर चढ़कर बैठ गया। मगर एक बात काफ़ी हैरान करने वाली थी कि उस चाय वाले के पास ना तो चूल्हा था और ना ही कोई ऐसी चीज़ जिससे वो चाय गर्म कर सके, मगर फिर भी उसकी चाय काफ़ी गर्म थी। खैर, मैंने इस बात पर उतना ध्यान नहीं दिया। रिक्शा पर चढ़कर बैठते ही उस रिक्शा वाले ने रिक्शा भगाना शुरू कर दिया। अब रात काफ़ी हो चुकी थी, जिस कारण आसपास का माहौल और भी ज़्यादा वीरान हो चुका था। रास्ते के किनारे जंगलों से आ रही जंगली जानवरों की आवाज़ें सुनकर मेरा शरीर सुन्न पड़ जा रहा था। इस पर मैंने उस रिक्शा वाले से कहा, भाई साहब आपको जंगली जानवरों से डर नहीं लगता? इस पर उस रिक्शा वाले ने कहा, पहले लगा था बाबू साहब, अब नहीं लगता। उस रिक्शा वाले का ये जवाब मुझे कुछ समझ में नहीं आया। खैर, इस पर मैंने उसे दोबारा कुछ नहीं पूछा। वो रिक्शा वाला काफ़ी रफ्तार से रिक्शे को भगाए जा रहा था, मानो इस घने अंधेरे का उस रिक्शे वाले पर कोई असर ही ना हो रहा हो। कुछ आगे जाने के बाद उस रिक्शे वाले ने अचानक रास्ता बदल लिया। सीधे जाने की जगह उस रिक्शे वाले ने रिक्शा को दाई ओर जंगलों की तरफ मोड़ लिया, जिस पर मैंने उस रिक्शे वाले से कहा, अरे भाई साहब आप दाएं क्यों जा रहे हैं, आपको तो सीधा जाना है ना। मेरे बोलने पर भी उस रिक्शे वाले पर कोई असर नहीं हो रहा था और न ही उसने मेरी बात का कोई जवाब दिया। साथ ही साथ उसने अपनी रिक्शा की रफ्तार और बढ़ा दी। अब मुझे काफ़ी गुस्सा आ रहा था कि तभी मैंने उस रिक्शा वाले के कंधे को पकड़कर मेरी ओर खींचा, तो मेरे खींचते ही उस रिक्शे वाले का हाथ उखड़कर मेरे हाथ में आ गया। ये देखकर मेरे होश उड़ गए और मेरा पूरा शरीर कांपने लगा कि भला ऐसा कैसे हो सकता है। अभी मैं कांप ही रहा था कि तभी एकदम से वो रिक्शा वाला मेरी ओर मुड़ा, लेकिन अब उसका चेहरा पूरी तरह से बदल चुका था और उसका पूरा शरीर कटा हुआ दिखाई पड़ रहा था। ये देखकर मैं समझ गया कि यह रिक्शा वाला कोई इंसान नहीं बल्कि भूत है और अब मैं शायद नहीं बचूंगा। डर और घबराहट मुझ पर इस कदर हावी हो गया कि मैं वहीं पर बेहोश हो गया। फिर जब मेरी आँख खुली तब तक सुबह हो चुकी थी और मैं रास्ते के एक किनारे पर पड़ा हुआ था। बाद में मुझे कहीं से पता चला कि वो चाय वाला भी भूत है। एक दिन वो रिक्शा वाला और चाय वाला रात के वक्त रिक्शे से कहीं जा रहे थे कि तभी उन पर जंगली जानवरों ने हमला कर दिया और उनकी वहीं मौत हो गई। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो मैं आपका दोस्त आर्यन जल्द ही मिलूँगा आपसे ऐसी ही एक कहानी के साथ।